अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम फ्रेंड्स का, अपने दोस्तों का, उन लोगों का जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट में हमारा साथ दिया, हमारी हेल्प की, हमारे कोऑपरेट किया, हम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल मैं थैंक्स कहता हूँ अपने बॉसेस को जिन्होंने हमारे साथ हेल्प की, नवीद असकर साहब, सलीम सरदार साहब, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलाल भी आपको, आपने ये टूर्नामेंट विन किया। फिर भी आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, तमीर भी आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा गेम आपने दिखाई, वो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने आके इतनी अचीवमेंट की। जहाँ पे तनकीद ना होना वहाँ पे फिर मज़ा नहीं आता, उन लोग टूर्नामेंट्स को इशू है। तो हम सब लोग हाजिर हैं, हमारा हर फर्द हमारा सदर है। सॉरी करूँगा और उन नेपाल की टीम से, वो हमारे गेस्ट थे, वो इतनी दूर से आए थे, वो लोग उन्होंने बड़ी एफर्ट की आने के लिए, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोगों की तरफ से कुछ गलत हुआ, हमारे टीम मेंबर दूसरे थे, उन लोगों ने थोड़ा गलत किया। तो मैं उन लोगों से स्पेशल थैंक सॉरी करता हूँ कि भाई सॉरी यार, ये हम सब तमाम टीम मेंबर्स, मेरे तमाम दोस्त आपसे सॉरी करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव हुआ, तो पार्ट ऑफ गेम समझ के हम लोगों को माफ़ कर देना उसके लिए, और आइंदा के लिए इंशाल्लाह ताला हमको आपको इससे ज़्यादा हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और तो यार और मेरे दोस्त अहलो अहबाब सुन रहे हैं, उनको सबको ईद मुबारक। और मैं सबसे पहले अपने कोच अहबाब को, मिस्टर असद, मिस्टर इमरान, मिस्टर आमिर और बिलाल भाई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी जो इंस्ट्रक्शन है सब लोगों ने फॉलो की माशाल्लाह। और उसके बाद हमारे भाई शामी भाई हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं, वो नाइब कोच हैं हमारे, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन सब ने हमें बहुत प्यारी इंस्ट्रक्शन दी। और मैं अपनी ए टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सबसे पहले यानी कि उन्होंने दुलेल में फुटबॉल जो है ना टूर्नामेंट का सिस्टम स्टार्ट किया था, अभी तक माशाल्लाह जारी है। उसके बाद मैं नेपाली टीम को, कश्मीर गिलगिस्तान की टीम को अप्रिशिएट भी करता हूँ, वेलकम भी करता हूँ, आइंदा साल के लिए हमारे साथ खेलने के लिए चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए। हम सब मिलके बहुत प्यारा खेले माशाल्लाह। असद भाई बहुत ही यानी कि कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी। इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान किया था, बहुत अच्छा सिस्टम किया था, थोड़ी बहुत बीच में क्रैशबाजी हुई थी, नो प्रॉब्लम, उसके लिए मैं भी सॉरी करता हूँ। और हमारे कम्युनिटी जो है जाहिद भाई को मैं बहुत ही प्यारा समझता हूँ माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा उन्होंने अनाउंस किया था, बहुत ही प्यारा स्टार्ट पॉइंट किया था, दुआ के साथ किया था माशाल्लाह, दुआ के साथ ही हम लोग जीते, ये उनकी बड़ी दानिश्वरी हमारे साथ। वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं 100% होती हैं, यहाँ पे तो बहुत छोटी हुई हैं। अगर हम पाकिस्तान में खेलें या इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी इश्यूज हैं, नेपाल हैं, कहीं भी है, लेकिन उन इश्यूज़ को कंटिन्यू नहीं करने का, बस जो हुआ भूल जाने का, एक दूसरे के दिलों में जो नफरत के बीज बोने वाला वो काम नहीं करना। हो गया जिनसे हो गया, वो सॉरी बोला, जिन्होंने बर्दाश्त किया उनका वेल थैंक्स किया, उन्होंने भी सॉरी बोला, ये अच्छी चीज़ है। स्पेशली यार सॉरी टू ओवर गेस्ट नेपाल की टीम को, जिनके साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। स्पेशली सफीर भाई को मैं कहूँगा जी, सफीर भाई बस ग्रेट आदमी है सफीर भाई, यकीन करें मेरे अपने लाइफ में मिलने वाले, बाकी अल्लाह के फजल व करम से सब अच्छे हैं, लेकिन सफीर भाई बहुत अच्छे हैं। सफीर भाई जिंदाबाद, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, मैं बस दो तीन चीज़ें इसमें ऐड करूँगा कि सबसे पहले हम सब लोग ये देखें कि फुटबॉल है तो हम लोग यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, फुटबॉल है तो हम लोग ग्राउंड में जाएंगे, फुटबॉल है तो हम लोग ये गैदरिंग करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग्स होंगी और ये इस तरह की हमारी जो है पार्टीज़ होंगी। तो ये कोई मैटर नहीं करता, इस तरह के इश्यूज़ जो इन ग्राउंड बड़ी बड़ी टीमों, बड़े बड़े प्लेयर्स के भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ापन ये होता है कि जो बंदा दिल से सॉरी बोल रहा है। और देखिए यहाँ पर हमारे माशाल्लाह सीनियर प्लेयर्स वो भी सॉरी बोल रहे हैं कि जिनका इसमें कोई कसूर भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नेपाल की टीम की एफर्ट है कि यार वो दे आर द मोस्ट पीपल आर द वर्कर लेवल्स, बट वो अपना दिल खोल के अपने पर्सनल जो है वो विदाउट एनी फैक्ट्री स्पॉन्सरशिप या किसी तरह वो यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आए हैं, और हम सबकी तरफ से हमारे दिल और हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार उन लोगों के लिए है। और जो भी हुआ इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, और ये मतलब उस टाइम पे जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसकी सिचुएशन की वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअली किसी बंदे के दिल में उनके लिए कोई भी मैल नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, और जिन बंदों ने ये किया भी उनके दिल में भी है कि भाई वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनको सॉरी बोल रहे हैं, और हम लोग भी बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह उन लोगों के साथ मिल के हमने इस गुलदस्ते को, इस टूर्नामेंट्स को, इस फुटबॉल की हमारी जो है कम्युनिटी, इसको इसी तरह जो है हमने कंटिन्यू रखना है। और स्पेशली जाहद भाई, ये इन लोगों की जो खिदमत और मोहब्बत और प्यार है बिना किसी लालच के, ये मैं कहता हूँ कि आपको बहुत कम मिलता है ऐसे,
कि बंदा दिन रात सुबह शाम मतलब एफर्ट कर रहा है, उस बंदे का इंटरव्यू ले रहा है, उस बंदे को इन्वॉल्व कर रहा है, उस बंदे को, क्यों कि हमारा जो फुटबॉल है वो यहाँ पे पॉपुलर हो इस जो हमारी पूरे हमारे जोन में, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पहले फुटबॉल का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो अब इस लेवल पे आ गया है कि मैं कह रहा हूँ कि इवन मैं सबसे न्यू, मेरे से लोग पूछ रहे थे यार कब मैच है, कितने बजे मैच है, नेक्स्ट कब होना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और थैंक्स टू असद भाई और ऑल टीम, दोनों टीम सीनियर प्लेयर्स मियाँ साहब बैठे हैं, आमर भाई, सब लोग, और ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रहा है। बाकी एक शेर है अल्लामा इकबाल का, मुझे वो सीधा उल्टा सा याद आ रहा है कि उसका आखिरी जो फिक्र है वो बड़ा फिट होता है कि जिन लोगों ने तनकीद की है कि तुम दिए बाद में मुखालफ से ना घबराया हुआ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो तनकीद तो भाई सब नबियों पे, वलियों पे, मतलब जिनकी खाक से खाक के बराबर हुई हमने उन पे भी हुई है, लेकिन तनकीद जो है वो एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो नेगेटिव तनकीद का दुख होता है कि कुछ लोग जो पर्सनल लेके और विदाउट एनी वेरीफिकेशन आप लोग मतलब बोल देते हो। तो अगर आपका कोई कंसर्न है, यहाँ पे एक इंतजामिया है, आपके हेड ऑफ डिपार्ट्स हैं, आप उनके साथ मिलके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ प्रॉपर बात करते कि भाई इसमें हमें ऑब्जेक्शन है, लेकिन बिफोर द टूर्नामेंट या इन बिटवीन टूर्नामेंट, अब टूर्नामेंट हो गया बेहतरीन तरीके से, अब ये अच्छी बात नहीं है कि आप मतलब जो है, और इसमें जो लोग तनकीद करें मेरे ख्याल में वो अपने ही गिरेबान जो है वो गंदे कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि टूर्नामेंट अच्छा हुआ है, बेहतरीन हुआ है, और बड़े बेहतरीन तरीके से सारी कंट्रीज़ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इंशाल्लाह हम लोग मिल गए, फर्दर भी जैसे जैसे चांसेस होंगे, छुट्टियां होंगी, अपनी जॉब्स के साथ मिल गए, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सर मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि विनर टीम के लिए बिलाल भाई के लिए क्लैपिंग कर दें आप लोग। बिलाल भाई आपको मुबारक हो, आपकी टीम को मुबारक हो, सागर भाई, अली भाई, शामी भाई, आमिर भाई, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, बहुत एफर्ट की, बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि विद इन 2 or 3 months इंशाल्लाह ताला आपको एक नए प्लेटफॉर्म पे नए तरीके से आपको एक और खूबसूरत सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से यही बात है कि मुझे, मेरे आप लोग बाजू हैं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो भाई आप मेरा साथ देते रहें, इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सी रौनकें और ये बहुत चीज़ दिखाऊंगा आपको। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पूरी टीम ए और बी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया, और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ असद भाई का जिन्होंने मुझे आके फुटबॉल में टाइम दिया और मुझे खेलने का चांस दिया।